चक्रवर्ती सम्राटों की ये नगरी अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी बड़ी प्रसिद्ध है। संपूर्ण पृथ्वी पर एक छत्र राज्य करने वाले राजाओं की नगरी अयोध्या नगरी। और इस नगरी में कितने राजा हुए, बोले उन राजाओं के चरित्र का वर्णन कर पाना संभव नहीं। लौकुश कहते हैं एक राजा का हम वर्णन करेंगे बस। वो कौन से राजा हैं? बोले एसाम च सगरो नाम सागरो ये नखानितः। इस अयोध्या के एक राजा महाराज सगर हुए। बोले उनकी क्या विशेषता थी? बहुत विशेषताएं हैं लेकिन सब विशेषताएं बताने का समय नहीं। एक विशेषता केवल बस। बोले क्या? बोले सगरो ये नखानितः एषां च सगरो नाम सागरो ये नखानितः। अयोध्या के एक राजा महाराज सगर हुए। इनका नाम सगर क्यों पड़ा था? बोले जब ये गर्भ में थे ना तो इनकी सौतेली मां ने इनकी मां को विष दे दिया था कि गर्भ नष्ट हो जाए। गर्भ ने विष, लेकिन उस विष को पीने के बाद भी गर्भ नष्ट नहीं हुआ, अपितु उस गर्भ ने उस विष को आत्मसात कर लिया। इसलिए जो बालक पैदा हुआ वो विष के सहित पैदा हुआ। गरेण सहितः सगरः, गर के सहित विष के सहित पैदा हुए, इसलिए इनका नाम सगर हुआ। और इनकी विशेषता क्या थी? बोले सागरो ये नखानितः, जिन्होंने सागर बना दिया। ये समुद्र क्या है? समुद्र का एक नाम सागर है और सागर अयोध्या की देन है। अयोध्या के राजा महाराज सगर ने इसे खोदा था। छोटे मोटे राजा तो बावड़ी और तालाब बनवाते हैं, पोखरा खोदवाते हैं, लेकिन अयोध्या के राजा सगर ने सागर बना दिया, इसीलिए उसका नाम सागर है। सागरो येन खानितः। क्या अयोध्या का वैभव है? इक्ष्वाकूणाम इदं तेषां राज्ञां वंशे महात्मनाम। अयोध्या के राजाओं का जो वंश है वो बड़ा पवित्र वंश, महात्मनाम, जिस वंश में सब महात्मा ही हुए। वो जितने राजा हैं वो किसी महात्मा से कम नहीं हुआ। और अयोध्यापुरी, बोले कोशलो नाम मुदितस्फीतो जनपदो महान। कोशल नाम का जनपद और उस जनपद में अयोध्या नाम की नगरी। कोशल जनपद बहुत बड़ा था। कोशल जनपद का जो वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि अयोध्या से चल करके तीर्थराज प्रयाग के पहले गंगा के इस पार तक कोशल और गंगा के उस पार से प्रयाग। वनवास की यात्रा में भगवान श्री राम जब चले हैं तो जब श्रृंगवेरपुर पहुंचे गंगा के तट पर और वहां से जब गंगा पार करके विदा होने का समय हुआ तब अयोध्यापुरी को प्रणाम किया है कि हे कोशलपुरी, अब मैं कोशल से बाहर जा रहा हूं, हे देवी फिर ऐसी कृपा करना कि मैं आकर के अयोध्यापुरी का दर्शन कर सकूं। तो कोशल नाम का स्फीत जनपद और उस जनपद में अयोध्या नाम की नगरी। अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विश्रुता, लोक विश्रुता नगरी अयोध्या। उस समय में भी अयोध्या को सब लोग जानते थे और आज भी यही स्थिति है। दुनिया के आप किसी कोने में चले जाओ, दुनिया में बहुत से ऐसे देश होंगे जिनका नाम हमको आपको नहीं मालूम। दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, वहां के आदमी से पूछो कि उत्तर प्रदेश को जानते हो, बोले उत्तर प्रदेश क्या है उसको नहीं पता हो। लेकिन अगर ये पूछो कि अयोध्या का नाम सुना है, बोले हाँ अयोध्या जानते हैं। भले ना आया, आज भी पृथ्वी पर अयोध्या को जानने वाले सभी, आज भी अयोध्या का वो वैभव,
अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विस्तृता, संपूर्ण पृथ्वी के किसी कोने में आप चले जाओ वहां के लोग भी इस नाम को सुने होंगे। लोक विस्तृता नगरी, अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विस्तृता। और ये अयोध्यापुरी कितनी बड़ी है, मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। महाराज युक्ष्वाकु मनु ने इस पुरी को बसाया है। और अयोध्यापुरी की सीमा कितनी बड़ी है, कहते आयता दस द्वेच, 12 योजन लंबी और 4 योजन श्रीमती त्रीण विस्तीर्णा, 3 योजन कर्म भक्ति ज्ञान शक्ति कौशल्या और भक्ति शक्ति सुमित्रा और कर्म की शक्ति के कई। इसीलिए कौशल्या जी के पुत्र राम, क्यों बोले ज्ञान शक्ति के पुत्र हैं, क्यों बोले भगवान ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान अखंड एक सीता बर। और सुमित्रा कौन है, बोले भक्ति स्वरूपा है। इसलिए सुमित्रा जी के दोनों पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न भक्ति परायण है, एक भगवान के भक्त हैं और एक भक्त के भक्त हैं। और केकई जी कौन है, बोले केकई जी क्रिया शक्ति है। क्रिया शक्ति जो होती है वो कर्म प्रधान होती है, बड़ी कठिन होती है, क्यों बोले कर्म बड़ा कठिन होता है। इसीलिए केकई जी का चरित्र भी बड़ा कठिन है और इनके पुत्र भरत जी का चरित्र भी बड़ा कठिन है। राम जी ने उतना तप नहीं किया जितना तप भैया भरत ने नंदग्राम में रह करके किया और अपने शरीर को क्लेश दिया और राज्य का पालन भी किया। तो क्रिया शक्ति केकई, भक्ति शक्ति सुमित्रा और ज्ञान शक्ति कौशल्या, यही दशरथ जी की 3 रानियां। और बंधुओं लवकुश वर्णन करते हैं कि दशरथ जी महाराज की अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई, क्योंकि त्रेता युग में हजारों वर्ष की आयु होती, 60,000 वर्ष की आयु हो गई और दशरथ जी को कोई संतान नहीं। यहां पर प्रश्न है कि महाराज विवाह शादी होने के बाद 2-4 साल बीत जाए और कोई बेटा बेटी न हो तो आदमी को चिंता होने लगती। संत महात्मा, तंत्र मंत्र, गुरु गोविंद, डॉक्टर औषधि, सबकी तलाश शुरू हो जाती है। और दशरथ जी महाराज 60,000 वर्ष के हो गए और आज तक पुत्र प्राप्ति के लिए इन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किया, क्या कारण था? एक साधारण व्यक्ति भी विवाह के 2-4-10 वर्ष बाद तो चिंतित हो ही जाता है। और दशरथ जी महाराज की 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई लेकिन पुत्र की इच्छा नहीं हुई, पुत्र की कामना ही नहीं। इसीलिए भगवान अभी तक इनके पुत्र बनकर के नहीं आए। क्यों कामना नहीं हुई? हमारे अयोध्या के संत कहते हैं कि दशरथ जी महाराज पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु थे और कौशल्या जी शत्रुपा थी, जिस कथा का वर्णन गोस्वामी जी ने श्रीमद् रामचरितमानस में किया है। जब ये मनु और शत्रुपा के रूप में थे तो इन्होंने नैमिषारण्य में जाकर के तप किया। 12 अक्षर मंत्र पुनि जप ही सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुहु दंपति मन अति लाग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी 12 मंत्र का जप किया और भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने आकाशवाणी की, मांग मांग बर भई नभ वाणी, आकाशवाणी हुई वरदान मांगो वरदान मांगो। और एक बार आकाशवाणी नहीं हुई,
दो बार भगवान ने कहा मांगो मांगो बर मांगो मांगो। दो बार क्यों कहा? हमारे अयोध्या के संत कहते हैं कि तपस्या करने वाले दो लोग थे, इसलिए भगवान ने दोनों से कहा मांग और मांग। पति पत्नी दोनों तपस्या कर रहे हैं, इसलिए दो बार भगवान ने कहा। और दूसरा भाव यह भी है कि तपस्या करने वाले दो थे और वरदान देने वाले भी दो थे। बोले कौन? बोले श्री सीताराम चंद्र जी जुगल सरकार। तो राम जी ने भी प्रसन्न होकर के कहा मांग, तो सीता जी ने भी कहा मांग 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 वर। दो बार वाणी मांग मांग वर भई नभ वाणी। आकाशवाणी हुई वरदान मांगो, लेकिन वो वाणी ही इतनी मधुर थी कि वो शब्द कान में जाते ही स्वयंभू मनु और शत्रुपा जो हजारों वर्ष से तप करते करते कृशकाय हो गए थे, उनका शरीर सुंदर और दिव्य हो गया। महाराज मृतक जिया बनी गिरा सुहाई, मृतक जिया बनी गिरा सुहाई, श्रवण रंग हुए पूरे जब आई, श्रवण रंग भगवान की वाणी इतनी मधुर थी। कितनी मधुर? बोले अमृत से भी ज्यादा मीठी। बोले अमृत से ज्यादा मीठा क्या हो सकता है? तो गोस्वामी सब जी के शब्दों का चमत्कार देखो। अमृत किसी जिंदे व्यक्ति को पिला दिया जाए तो मरेगा नहीं, लेकिन जो मर चुका है उसके ऊपर अमृत का कोई प्रभाव नहीं। लेकिन भगवान की वाणी तो अमृत से भी ज्यादा मधुर है कि अगर मुर्दे के कान में भी चली जाए तो मुर्दा भी उठ करके बैठ जाए, ऐसी वाणी भगवान की। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध होए उर जब आई। और परिणाम क्या हुआ? बोले हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानो अवई भवन ते आए। मनु और शत्रुपा हृष्ट पुष्ट हो गए और मनु शत्रुपा ने कहा प्रभो हम आपका दर्शन करना चाहते। भगवान ने कहा कौन से रूप का दर्शन चाहते? मेरे तो सब रूप है, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, सब भगवान का ही रूप है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब भगवान का रूप है। इसी को कहते हैं सर्वम विष्णुमयम जगत, सारा संसार विष्णुमय। एक महात्मा थे परमहंस, एक कुत्ता के ऊपर बैठे हुए थे, वो कुत्ता को पैर से दबाए थे और एक थाली में कुछ रखे थे, अपने भी खा रहे थे उस कुत्ता को भी खिला रहे थे, परमहंस ही थे। कोई व्यक्ति आया और उसने कहा महाराज महात्मा होकर के आप ऐसा कुत्ते का जूठा खा रहे हो, तुम्हारी थाली में खा रहा है। तो परमहंस थे, उन्होंने कहा विष्णु पर स्थितो विष्णु, ये कुत्ता भी विष्णु है और मैं भी विष्णु हूं। विष्णु पर स्थितो विष्णु और विष्णु खादति विष्णवे, और विष्णु को विष्णु खा रहे हैं। कथम हंससिरे विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत, अरे विष्णु तुम क्यों हंस रहे हो, ये सारा संसार ही विष्णुमय। लेकिन ये ज्ञान की बहुत ऊंची कोटि है, उस कोटि में जब तक पहुंचे न तब तक ये सब करना अपराध। आगे जन्म का समय आया तो चले गए, सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, और देवता जब चले गए तब बोले जग निवास प्रभु प्रगटे, तब भगवान प्रगट। अरे भगवान जिस समय प्रगट होते उस समय ब्रह्मांड के 64 करोड़ तीर्थ
अयोध्या में उपस्थित रहते हैं। जिस दिन राम जी का जन्म होता है, राम जन्म महोत्सव के अवसर पर पूरे ब्रह्मांड के 64 करोड़ तीर्थ अयोध्या में रहते हैं। और उस दिन जो व्यक्ति अयोध्या में जाकर के भगवान का दर्शन कर लेता है ना, उसे 64 करोड़ तीर्थों में जाने का पुण्य प्राप्त है। यही दिन राम जन्म सुते गावे, तीरथ सकल कहाँ चले आवे। यही दिन राम जन्म सुते गावे, तीरथ सकल कहाँ चले आवे। तीरथ सकल कहाँ चले आवे, तीरथ सकल कहाँ चले। जिस दिन राम जी का जन्म होता है, उस दिन ब्रह्मांड के 64 करोड़ तीर्थ अयोध्या में अपनी हाजिरी लगाते हैं। उस दिन अगर पहुंच गए तो 64 करोड़ तीर्थों में जाने का ही फल प्राप्त होता है। लेकिन अभागा तो वो है जो अयोध्या में 359 दिन रहे, और जिस दिन राम जी का जन्म हो उस दिन अयोध्या छोड़ के चला जाए। उससे बड़ा अभागा तो दुनिया में कोई हो नहीं सकता। और जहां तक मुझे स्मरण है, मेरा तो जन्म भी अयोध्या में हुआ, राम जी की नगरी में। इस बात के लिए मुझे गर्व है कि भगवान श्री राम की पावन नगरी में ही मेरा जन्म हुआ है, और रामकोट मोहल्ले में, राम जी के बगल ही में, कनक भवन के पास ही। और आज तक के जीवन में केवल एक बार मेरे साथ ऐसा दुर्भाग्य हुआ, उसको मैं दुर्भाग्य ही समझता हूँ। परमात्मा मेरे जीवन से उस अंश को निकाल दे, वो आयु मेरी आयु में न गिनी जाए। मेरे जीवन में एक बार ऐसा हुआ कि रामनवमी के अवसर पर मैं अयोध्या नहीं रह पाया। बाकी आज तक राम जी के जन्म के अवसर पर तो मैं अयोध्या में ही रहता हूँ। चाहे कोई कितना भी बड़ा आयोजन करे, प्रयोजन करे। लोग कहते हैं महाराज नवरात्रि में आप कथा सुना दो, हम कहे महाराज दुनिया की सारी संपत्ति दे डालो, लेकिन रामनवमी में तो हम अयोध्या में रहते हैं, ठाकुर की नगरी छोड़ करके कहां जाए। महाराज राम जी का जन्म जब होता है अयोध्या अद्भुत होती है, वहां के कण कण में देवत्व प्रकट होता है, और ये अनुभव भी होता है। जो अयोध्यावासी हैं उनको अनुभव होता है। तो भगवान के जन्म के समय में अयोध्या में रहना ये परम सौभाग्य। और देवता अयोध्या छोड़ के चले गए। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम, और सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। तो कहते नहीं, देवता अभागे नहीं थे। देवता गए तो अपने धाम में, लेकिन देवताओं का असली धाम क्या है? देवताओं का असली धाम भगवान है। ये जितने देवता हैं भगवान के अंग अंग में निवास करते हैं। प्रत्यक्ष प्रकट होकर के देवताओं ने पहले भगवान की स्तुति की, और स्तुति करने के बाद वो सब देवता भगवान के एक एक अंग में जाकर के प्रतिष्ठित हो गए। चंद्रमा भगवान के मन में समाहित हो गया, सूर्य भगवान के नेत्रों में समाहित हो गए, अग्नि देवता भगवान के मुख में समाहित हो गए, वायु देवता भगवान के कानों में समाहित हो गए। वेदों ने कहा है ना, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो वजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निर् अजायत। ये सारे देवता भगवान के तत्तत् अंगों में जाकर के प्रतिष्ठित हो गए। सर्वदेवमयो हरिः, भगवान सर्वदेवमय है, इसीलिए भगवान की पूजा से सबकी पूजा हो जाती है। आप राम जी की भक्ति कर लो, 33 करोड़ देवताओं की भक्ति हो गई, अलग से फिर किसी की भक्ति करने की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले सब राम जी में ही विद्यमान है, राम से बाहर कोई है ही नहीं, सब राम जी में। राम जी की आरती उतारोगे तो राम जी की आंखें कौन है? बोले सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान की आरती होगी। आरती उतारोगे तो राम जी के हृदय की भी आरती होगी। हृदय में कौन है? बोले मन में चंद्रमा है, चंद्रमा मन सो जाता उसकी भी पूजा हो गई। भगवान के बक्षस्थल की आरती उतारी, बोले वही धर्म है, धर्म की पूजा हो।
भगवान के मुख की आरती उतारी, भगवान का मुख ही अग्नि है, मुखाद अग्नि रजायत। तो भगवान के एक एक अंग में सारे देवता निवास करते हैं, इसीलिए भगवान को सर्वदेवमय कहा गया, सर्वदेवमयो हरि। और सभी देवता भगवान में प्रतिष्ठित हो गए। अब भगवान के प्रकट होने का वो समय आ गया। माँ कौशल्या अपने महल में अपने पर्यंक पर बैठी थी और पूर्व दिशा की ओर देख रही थी और सोच रही थी, मेरा बालक कैसा होगा, कब आएगा। 11 महीने 24 दिन बीत गए, अभी तक कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ा। क्या होगा, कब होगा, यही सब मां कौशल्या सोच रही थी। तब तक